नमस्ते दोस्तों, रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो है ना, हमने राजमा बनाया है, वो भी ढाबे स्टाइल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो राजमा बनाने के लिए ये मैं राजमा लिए हैं और ये एक कप से ज्यादा राजमा है। और ये जो ना राजमा, शायद पहाड़ी राजमा बोलते हैं इनको, तो ये भी बहुत सेम टेस्ट देते हैं, ऐसा कुछ है भी है। तो यहाँ पर जो है ना, हम राजमा जो है ना भीग चुके हैं। राजमा को जो है ना, हमें 7 से 8 घंटे के लिए भिगाना जरूरी है। तो मैंने इनको भिगा के रख लिया था। तो मैंने यहाँ पर कुकर में सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। तो मैंने यहाँ राजमा डाल दिए। इसमें हम कुछ जो है ना मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी डाला था, पहले से 1.5 गिलास पानी डाला हुआ था, तो 1 गिलास मैंने और ऊपर से गिर दिया। अब मैंने डाल दिया इसमें नमक, और इसमें हम 1/2 चम्मच जो है ना देगी मिर्च डालेंगे, और ये डालेंगे हम तेज पत्ता, 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे तेल। ये देखिए, हमने इतना 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तो इसको हम बॉईल लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली थी, 3 टमाटर और लहसुन और अदरक। इसको हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने 4 से 5 सीटी लगा ली थी। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिए ये जीरा और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट को हम अच्छे से भून लेते हैं, जाके इसमें कच्चेपन की स्मेल ना रहे लहसुन और अदरक की। तो यहाँ पर जो है ना, मेरा अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, जो मैंने बारीक पीस के रख रखी थी। चाहे तो आप काट के भी डाल सकते हो बारीक, लेकिन मैंने इसको अच्छी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें पीस के डाली है। तो प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा जब तक। तो प्याज में जो है ना मीठापन नहीं रहना चाहिए। तो प्याज को हम अच्छे से भूनना है। कोई कोई सब्जियों में प्याज भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई सब्जी में ऐसी होती है कच्ची प्याज ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जो 3 टमाटर की प्यूरी बना के रख रखी थी, वो भी डाल दूंगी। प्याज मेरी भून चुकी थी। अब इसको हमें जब तक भूनना है, जब तक टमाटर से तेल अलग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है और ये तेल भी छोड़ने लगे हैं टमाटर। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। जैसे मैं डाली हूँ इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, और ये मैं तीखी वाली मिर्ची डाली हूँ, और 1/2 चम्मच मैंने कलर वाली डाली थी, और मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चाहें तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर इस टाइम पे डाल देना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें, और 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो इसको भी हम साथ में मिक्स कर लेंगे। और मैंने नमक डाला 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 चम्मच मैंने बॉईल करते में डाला था, और 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे इसमें, ताकि मसाले को हम अच्छे से भून सकें, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका के अच्छे से तैयार करेंगे। तो साथ में डाल रही हूँ मैं ये कस्तूरी मेथी। और गैस की मीडियम करके फ्लेम जब पकाइएगा, हाई फ्लेम में नहीं पकाइएगा मसाले को, वरना मसाला जो है ना नीचे जल जाएगा और उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाला देखिए जी, मेरा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया था। अब इसमें हम जो है राजमा डाल देंगे। अच्छा, अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि राजमा में मैंने 2.5 गिलास पानी डाला था। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार डालिएगा। अगर आपके राजमा में पानी कम है तो ही डालिएगा। मेरे बिल्कुल ठीक है, देखिए इस तरीके का। अभी थोड़ा बॉईल करूंगी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए, तो जो है हमारे राजमा बिल्कुल रेडी हो जाएंगे।
ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है ना थिक बनी है, ये मैं इसलिए बनाई है पीस के, अगर मैं इसको काट के बनाती प्याज को तो ऐसी ग्रेवी नहीं तैयार होती। अब इसको मैं जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पका लूंगी। तो ये देखिए मेरे राजमा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ढाबे स्टाइल बनाए हैं मैंने, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं राजमा, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब इसको मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी। और डाल दूंगी मैं इसमें हरा धनिया काट के। तो राजमा मेरे बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी राजमा की रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मेरे राजमा बन के तैयार हो चुके हैं, साथ में मैंने चावल भी बना लिए थे। तो ये देखिए मेरे राजमा कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, स्वाद में इतने बढ़िया हैं मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस तरीके से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में। बाय।